गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियाणी। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में कोलरस ला और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी, और हमने डिस्कस किया था जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो उसी पे बेस आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00120282 mm, का मतलब ये मोलरिटी है, कैपिटल एम जब पीछे लिखा होता है उसका मतलब मोलरिटी है, किसकी, एसिटिक एसिड की। ओके उसके बाद ये दिया हुआ है इज 4.95 10^-5 एस सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी, आपकी कापा की वैल्यू है, क्योंकि हमने बताया था जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है, जिसको हमने बताया था जिसको कापा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ क्या होती है, रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास। तो ओम इनवर्स भी लिख सकते हो आप, या इसी चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब एक एस जो होता है वो ओम इनवर्स के बराबर होता है। इस एस का मतलब साइमन आपके पास, ठीक है। तो कापा की वैल्यू हो गया आपके पास, कैलकुलेट करना आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसमें ये राइट डाउन कर देंगे क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। हमारे पास जो कापा की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 4.95 10^-5 ऐसे सेंटीमीटर इनवर्स, एक तो ये वैल्यू गिवन है मेरे पास। ओके उसके बाद मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है मेरे पास 0.01028 ओके। अच्छा एक मेरे को कैलकुलेट करना है ये, के ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये वाला कापा है, ये वाला जो है वो आपके पास कापा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ऊपर लिख देते हैं, ये कापा है, ठीक है, और वो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। और एक वैल्यू और भी दिया है, ये जो आपके पास वैल्यू है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है ये 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी पे फाइंड आउट करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू में 1000 अपॉन में क्या होती है आपकी मोलरिटी, क्या होती है मोलरिटी, पुट कर दो वैल्यू 4.95 10^-5 इंटू में 1000 अपॉन में 0.01028 ओके। ये हो गया आपके पास, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा 48.15 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये कैसे आएगा, देखो भाई यहाँ पे कापा की मैं एक बार यूनिट यूनिट लिखता हूँ, देखो कापा क्या थी, एस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू में 1000 के पीछे जैसे हमने उस दिन यूनिट भी की थी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब एल इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब एल इन, क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है बेटा, ठीक है। और मेरे को लिखना है ये चीज़ लिखनी है ना सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो ये एल कहाँ जाएगा, नीचे, अब एल नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमने वैल्यू नीचे वाली वैल्यू है ना वो भी किस में लिखी हुई है, मोल एल इनवर्स के अंदर, क्योंकि मोलरिटी है, ये तो लिख लिया ना हमने, ये आपके पास आ गया, और जो नीचे आपके पास मोलरिटी है उसको क्या लिखते हैं, मोल एल इनवर्स। तो बेटा इस एल इनवर्स, ये एल इनवर्स कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बच गया, 2, एक एस हो गया, और मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो गया आपके पास, तो ये यूनिट आ गया आपके पास इसकी। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास, ओके। अब देखो, अब आपके पास इतना काम हो गया आपके पास, अब हमें चाहिए, क्योंकि जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हो तो उसका फॉर्मूला उस दिन करवाया था, हमने बताया था सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। इसका मतलब मेरे को अगर अल्फा का मान पता लग जाए, सी मेरे पास ऑलरेडी है, सी कौन है कंसंट्रेशन है, अल्फा कौन है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहला काम हमारा है अल्फा को फाइंड आउट करना, और अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बताया था ये आपको, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी
और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अल्फा का मान निकालते हैं, क्योंकि इसने मेरे पास एक वैल्यू दी है। क्या दी है वैल्यू? ये रही देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 390.5, ओके। और ये सी कंसेंट्रेशन पे जो आपके पास है वो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये ऊपर 48.15। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये तो दोनों इसके ऊपर सेम यूनिट है ना, इसके ऊपर भी, यहाँ पे भी कट जाएगी, तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.1233, 0.1233। ये हमारे अल्फा का मान आ गया। किसका मान आ गया आपके पास है? अल्फा का मान आपने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको किसका मान चाहिए? अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट का मान चाहिए, सी का मान, मतलब जो ये कंसंट्रेशन है ना आपकी, ये सी का ही मान आपका, क्योंकि मोलर जो आपके पास मोलरिटी होती है वो यही तो होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड इन ए पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो आपके पास क्या होती है, क्योंकि सी यही कंसंट्रेशन ही तो होती है आपके पास, सी क्या होती है आपकी, कंसंट्रेशन ही होती है। तो बेटा बस आपको वैसे वैल्यू पुट करो, सी का मान 0.01 2 1 0 2 8 मल्टीप्लाई, अल्फा का मान जो अभी आपके पास है 0.1233, 0.1233, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वेयर, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 0.1233, 1233। अब इस पूरे टर्म को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 1.78 10 की पावर -5 मोल एल इनवर्स, मोल एल इनवर्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू है मोलरिटी की, जो वैल्यू है यहाँ पे कैपिटल एम था ना, उसकी जहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मोल एल इनवर्स, मोल एल ए इनवर्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आपका फाइनल आंसर, जो आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर जो फाइंड आउट किया था वो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी पे, उस जैसे मेरे पास ये वैल्यू आई, फिर मैंने अल्फा का मान निकाला, वो क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बेटा, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये वैल्यू में हमने पुट करके यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट किया, ये सारा वैल्यू पुट करके, और ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा ये न्यूमेरिकल। अब करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूँ आपको, आप खुद ट्राई करके देखेंगे, बस थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं हम। कंडक्टिविटी हमने कर दी 0.00241, ओके, कैपिटल एम। उसके बाद ये जो वैल्यू थी ये हमने कर दिया चेंज, इसको 7.896 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5, ओके। और ये वैल्यू आपके पास सेम है, तो वही काम करना आपको, क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी अल्फा स्क्वेयर 1 माइनस अल्फा, इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम इसमें वही करोगे, सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी काप्पा इंटू 1000 अपोन में मोलरिटी, काप्पा की वैल्यू ये रही, कैपिटल एम का मान ये रहा, और 1000 तो यहाँ से ही आएगा। फिर आप अल्फा का मान निकालोगे, ये जो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, जो सी कंसंट्रेशन पर आपने निकाली है, यहाँ पुट करोगे, ये वैल्यू इसने गिवन दे रखी है 390.5, तो यहाँ से अल्फा का मान आएगा। फिर आप किसका मान निकालोगे, इस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे ये आपके पास है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये वाला जो बेटा होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से जो अल्फा का मान आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, सी का मान वही होगा ये वाला, ठीक है। और अल्फा का यहाँ से आ जाएगा आपके पास, जब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, मैं आंसर आपके पास बताता हूँ। अल्फा का मान तो आपके पास पहले इसका बता देते हैं, इसका मान जो आप सोल्व करके लेकर आओगे वो तो आपके पास आएगा 32.76, ठीक है। और इस अल्फा का मान सोल्व करोगे तो 0.084 आएगा,
और आप जब इसका मान निकालोगे कापा का, नहीं कापा नहीं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का, तो इसका आपका लास्ट आंसर बनेगा 1.86 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। तो बिल्कुल एज इट इज जो हमें अभी जो क्वेश्चन किया था उसी की बिल्कुल कॉपी है, बस सिर्फ मैंने वैल्यू को चेंजमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व कर देखना। इसकी वैल्यू जो मुलर कंडक्टिव एयर कंसंट्रेशन सी है, इसकी 32.76 आएगी, अल्फा का मान 0.084 आएगा, 0.084, और ये आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। और कई बार मान लो परसेंटेज में पूछ ले भाई कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8.4%, इतना डिसोशिएट हुआ वो, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना है इसका, 8.4। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल एज इट इज ट्राई करके देखना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 mm सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज। अब एक बात ध्यान, कुछ बच्चे गलती ना करते हैं, कभी ऐसे लिखा हो द कंडक्टिविटी ऑफ, समझ जाए ये कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, मतलब ये कापा की वैल्यू होगी, क्योंकि जिसके पीछे कैपिटल एम लिखा हुआ था वो तो किसकी वैल्यू है, मोलैरिटी की वैल्यू है, कंसनट्रेशन की वैल्यू है। और जिसके पीछे ये लिखा होता ना एस सेंटीमीटर इनवर्स लिखा जाए या होम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखा जाए, तो हम समझेंगे वो किसकी वैल्यू है, कापा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, कापा, कापा है मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप आंसर करोगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी सा है ये। अभी फॉर्मूला हमने करवाया था, कापा इंटू में 1000 अपॉन में क्या आती है आपकी मोलरिटी, कापा का मान आपके पास है 0.0248 इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.20। तो इसको आप सोल्व करोगे। अब यूनिट को निकालना बिल्कुल आसान है, अभी तो आपको सिखाया था इसकी वैल्यू जो यूनिट आती है वो क्या आती है, एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो इसको सोल्व करोगे तो उसके पीछे यूनिट लिख देंगे और आपका आंसर बन जाएगा 124, ये बन जाएगा, और इसके पीछे लिख देंगे एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल में आपको सोल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं। चलो आप ऐसे करेंगे, इसके यहाँ पे वैल्यू लिख दी हमने 0.50 कैपिटल एम, ये आप खुद ट्राई करके देखना। ये वैल्यू मैंने मान लो दे दी आपके पास 0.048, बस और कैलकुलेट करना आपको। तो ये वैल्यू आप पुट करके इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखेंगे, जैसे मान लो आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.048। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखना। अब आप जो भी आंसर आएगा उसके पीछे यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब भी करोगे न्यूमेरिकल की उतनी ज़्यादा बेटर आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें एक क्वेश्चन हमारे पास है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, ठीक है, जो आपके पास कितना दिया गया है, 0.001 mKcl, ठीक है, एट 298 केल्विन। ये इसके पीछे ओम लिखा हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये मोलरिटी है, सेल कांस्टेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम जो हमें निकालना है सेल कांस्टेंट, क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, एक बार हमने एक फॉर्मूला करवाया था आपको, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू में, जैसे एल बाई ऐसे होता था, एक ये हमने फॉर्मूला था हमारे पास। तो इस एल बाई ए की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये जी, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को, और ये एल बाई ए किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका, सेल कांस्टेंट को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल है कांस्टेंट, और ये कौन आपकी कंडक्टिविटी, ये कौन आपकी कंडक्टिविटी। और कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल क्या होती है, रेजिस्टेंस की। कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस बेटा। अब आपको क्या चाहिए, सेल कांस्टेंट चाहिए, तो भाई क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका मतलब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला ये हुआ, कंडक्टिविटी कापा इंटू में, कापा इंटू में रेजिस्टेंस, कापा इंटू में रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे आप, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, जो कहाँ से आया, जो हमने पीछे जब कंडक्टिविटी करवाई थी तो
तो वहीं पे करवाया था ये हमने टर्म बिल्कुल। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r, ये क्या होता है, कंडक्टेंस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एल कोण होती है लेंथ, ए कोण है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हमने क्या बोल दिया, सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, तो कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस आ गया, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले का आप इसमें यूज करेंगे। तो बस आपको क्वेश्चन हो ही गया इसके अंदर, और कुछ तो करना ही है आपको। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, जिसके पीछे लिखा हो ना, ये रहा देखो, एस सेंटीमीटर इनवर्स है, वो कंडक्टिविटी होता है 0.146 × 10⁻³, 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 1500 ओम, 1500 ओम, ये क्या है, एस सेंटीमीटर इनवर्स, एस सेंटीमीटर। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 219 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, या इसको थोड़ा और आप यही यहाँ तक भी कर सकते हैं, पॉइंट जो -3 है इसको इधर करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आंसर कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, और ध्यान, तो ये आपको इसके अंदर सोल्व आउट करना है। और आप सोच रहे होगे जैसे इसमें ये जैसे सेंटीमीटर इनवर्स इनवर्स बचा, ये कैसे कहाँ चला गया, तो देखो ना, ये अभी तो बात थी भाई, एक एस किसके बराबर होता है, नहीं, एक होम इनवर्स जो है वो 1s के बराबर होता है। तो मान लो मैं इसकी जगह पे होम इनवर्स कर दूंगा, तो ये ओम से ओम कट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ओम ऊपर है, एक ओम इनवर्स का मतलब नीचे वाला, तो एक ओम से ओम कट गया, ओम तो कट कैंसिल आउट हो गया आपके पास, सिर्फ क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका आंसर ये बचेगा, लास्ट फाइनल आंसर ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे सारे, NCERT एक्सरसाइज के, इंटेक्स के, वो सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आई होप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा, एक बार चेक कर सकते हो आप। ईस्वी पे बेस एक जो, और ध्यान रखेंगे देखो इसमें स्टेटमेंट को थोड़ा और ध्यान देंगे, ये नीचे लिखा व्हाट इज द सेल कॉन्स्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज, अगर यही कंडक्टिविटी रहती है सोल्यूशन की 298, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर भी सेम था, यहाँ पे भी सेम ही है, इसलिए इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे पास। ये तो सिर्फ बता रहा है भाई, अगर मैं 1500 ओम लेता हूँ, इतने कंसंट्रेशन का है और इतना टेम्परेचर है, तो उस पर अगर आपकी कंडक्टिविटी ये हो और कंसंट्रेशन ये हो, तो सेल कॉन्स्टेंट का मान क्या होगा, सेल कॉन्स्टेंट का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल खुद करके देखेंगे, एक और मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेंगे 0.128, 0.128, और भाई ये आप कंसंट्रेशन करेंगे 0.002, सेम यहीं पे 0.002, टेम्परेचर वही सेम है, और अब की बार हमारे पास 2000 ओम है, 2000 ओम रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सारी वैल्यू यही है, आपको बिल्कुल चेंज बस यही करना है, यहाँ पे 2000 लिखना है, और जो यहाँ पे मैंने कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है वो यहाँ पे पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपको बस। तो इसको एक और प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपके पास है कोलरा स्ला पे बेस की फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे दी गई है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये ब्रेक कैसे होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ना, OH है ना, OH नेगेटिव, मतलब ये चाहिए मेरे को। अब ये देखो NH4 और OH किस किस में मिलता है, मैंने बताया था कोलरा स्ला हम वैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस जिस में जो चीज़ मिलती है उसको ऐड कर दो, जो नहीं मिलता उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक तो इसमें मिल रहा है NH4, तो ये वाली वैल्यू, अच्छा OH किस में, इस फर्स्ट वाले टर्म में है, तो इन दोनों टर्म को क्या कर देंगे ऐड, और इसमें क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसमें क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये काम करना है आपको, बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा रखा है, थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, वहाँ गलती ना करेंगे, क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता बेरियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि यहाँ तो मेरे को OH एक चाहिए, बट यहाँ पे OH कितने हैं, यहाँ पे तो 2 है इसमें, तो इसको आप ब्रेक करोगे तो ये ऐसे आएगा ना, बेरियम 2+, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव, मतलब जिसके नीचे ये होता है ना, तो कोफिशियंट के रूप में आ जाएगा यहाँ पे।
इसी तरह अगर मैं बेरियम क्लोराइड को करूं तो ये क्या जाएगा, लैम्डा कैटाइन जमा में टू लैम्डा नोट एनायन, ठीक है, इनफाइनाइट एट एनायन। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें भी सीएल कितने हैं, टू हैं, इसमें ओएच कितने, टू, बट यहाँ पे जो आंसर मेरे को चाहिए उसमें मेरा ओएच कितना चाहिए, मेरे को वन कितना चाहिए, वन। तो मैं क्या करूँगा कि इस जो ये वाली वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है तो उसके अंदर हम थोड़ा चेंजमेंट करेंगे। क्या चेंजमेंट करेंगे, देखो पहले तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, चेंजमेंट हम ये करेंगे भाई, अगर मेरे पास ये वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने से कर दूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखेंगे इधर दिख रहा है आपको, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टू इसके टू को कट कर देगा, इसी तरह इस वाली वैल्यू को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मान लो 1/2 से करते हैं तो इसका टू इस टू को कट कर देगा, इसका मतलब एक ही सेल बच जाएगा और एक ही क्या बच जाएगा, ओएच बच जाएगा। बात समझ में आई ना, या देखो आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्या किया हमने, मैं इस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वाला टू इस टू को काट देगा बेटा, इसी तरह इसको भी 1/2 से कर देंगे, ये टू इसको टू काट देगा, क्योंकि हमें इस आंसर के अंदर जो हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें एक ही ओएच चाहिए, एक ही क्या चाहिए, ओएच चाहिए आपके पास, ठीक है, और एक ही NH4 चाहिए, ठीक है, ऐसे दो दो नहीं चाहिए था। अब सीएल ओएच भी दो थे तो इसलिए करना पड़ा, इसमें सीएल दो थे इसलिए करना पड़ा, क्योंकि क्यों करना पड़ा, अब आप सोच रहे हो भाई सर हमें तो वह चाहिए, फिर आपने सीएल वाले में क्यों किया, तो यहाँ पे भी देखो ना ये वाली जो वैल्यू वो एक ही सीएल के कोरस्पॉन्डिंग थी, NH4Cl इसमें एक ही था, बट यहाँ पे कितने हो रहे हैं, टू हो रहे हैं, तो आपके कैलकुलेशन के अंदर क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यू के अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बस अब आपका आंसर हो गया है, ये बात समझ में आ गई ना, अब देखो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन आपका। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, देखो कौन कौन सी वैल्यू मिलता है, ये एक तो इसमें है तो 129.8 प्लस में, और किस में दिखता है, OH फर्स्ट वाली टर्म में है, बट इस टर्म के अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करना ध्यान रखेंगे, फिर माइनस में जिसमें नहीं मिलता, किस में नहीं मिल रहा, ये किस में नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा बेरियम क्लोराइड वाली में, तो इसको 1/2 करके और ये वैल्यू लिख देंगे 240.6। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 238.3, ठीक है, और भाई इनफाइन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायलेशन ये यूनिट तो आपके पास ये है, यही लिखनी है आपको, एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वेयर है मोल इनवर्स, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक अच्छा न्यूमेरिकल था कोलराज ला पे, इसी पे बेस आप एक न्यूमेरिकल आपको और दें इसी पे, कोई प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का कोई और न्यूमेरिकल देते हैं आपको, एक मिनट रुकें। अब देखिए क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आप दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, किससे करना है, बेरियम है हाइड्रोक्साइड का, तो देखो जो जैसे मेरे को इसको निकालना है तो ये क्या आएगा, बेरियम 2+ प्लस में 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव आपके पास, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो किस किस में है, बेरियम किस में है बेटा, इस वाले ड्रम में, एक तो OH किस में है, इस ड्रम के अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों ड्रम ऐड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट और जो थर्ड है इसको ऐड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, बट थोड़ा ध्यान रखना इसमें ओएच कितने हैं, जो हमारा फॉर्मूला जो आएगा, मतलब जो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड जो किया है उसमें ओएच कितने होने चाहिए, टू है ना, बट यहाँ पे कितना है, वन है, तो अगर मैं उसको दो से मल्टीप्लाई कर दूँ उसकी वैल्यू को तो कंप्लीट बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर। अच्छा फिर चलो हम लिखते हैं, देखो आंसर करते हैं, तो सबसे पहले जो वैल्यू मेरे पास है इसकी, इसमें बेरियम किसमें, इसमें है, तो इसको मैंने लिखा जैसे 2.800×10^-2, अभी वो जो मैंने 2 मल्टीप्लाई करना वो अभी मैं देखूंगा, देखो अभी ये तो किसकी होगी, मेरे पास बेरियम क्लोराइड वाली वैल्यू, ओके, और क्या है, OH NaOH वाली वैल्यू कितनी है, 2.481×10^-2, अब OH कितना चाहिए था, 2 चाहिए था ना मेरे को, तो और इसमें कितना, 1 है, तो मैंने क्या कर दिया, इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर बात होगी, जिसमें नहीं है माइनस, माइनस NaCl वाली वैल्यू कितनी है, 1.265×10^-2, 10^-2। अब देखो एक चीज़ और भी है, यहाँ पे सीएल कितने थे, टू हैं, और इसके अंदर सीएल कितना है,
इसके अंदर सीएल तो एक है ना, इसके अंदर सीएल कितना है, एक, तो ये सारी चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो हम इसमें भी सीएल दो करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास किसकी होगी, क्योंकि ध्यान रखेंगे जिसमें जितने भी आयन है ना वो बराबर होने चाहिए। बी एक है तो बी एक है, सी एल दो है तो सी एल दो है, ओ एच एक है तो ओ एच एक है, ओ एच दो है तो ओ एच दो, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बस थोड़ा यही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही देता है आपके पास, वो नॉर्मल क्वेश्चन देगा उसमें तो सीधा एक एक आयन का देगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, बट ऐसे देता है तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बस इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बेरियम क्लोराइड की होगी, ये एन ए ओ एच की वैल्यू होगी, वो किसकी होगी, एन ए सी एल की होगी, जिस जिसमें है वो ऐड कर दो, नहीं है वो उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.232 × 10^-2, और ये यूनिट इसके पास है, ये लिख दोगे आप इसके पीछे, एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोर इनवर्स, एस सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। तो इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, वो टेक्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए मैंने। थैंक यू।